पॉक्सो न्यायालय सेकेंड ने मंगलवार को दुष्कर्म के एक मामले में एक अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को 10 साल कठोर कारावास और 71,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया। विशिष्ट लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि मामला 30 जुलाई 2017 का है। ब्यावर निवासी पीड़िता के पिता ने ब्यावर सदर में रिपोर्ट दी कि उनकी बेटी को रुस्तम नाम का युवक जबरन ले गया और उसके साथ दुराचार किया। पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। चालान पेश होने के बाद न्यायालय ने आरोपी रुस्तम के खिलाफ 10 साल कठोर कारावास और 71,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया। विशिष्ट लोक अभियोजक की ओर से 6 गवाह और 21 दस्तावेज पेश किए गए। माननीय न्यायालय पोस्ट को राजेश चंद्र जी गुप्ता जी ने फैसला सुनाया है। दिनांक 21/7/2017 की घटना है। पीड़िता के पिता ने पुलिस थाना ब्यावर सदर थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट प्रस्तुत करी कि उसकी पुत्री घर पे नहीं थी, नहीं मिली। जिसकी तलाश की गई तो पता लगा कि ये रुस्तम नाम का लड़का उसको भगा के ले गया और उस रुस्तम ने इस पीड़िता के साथ गलत दुष्कर्म किया, जिस पर उसको अरेस्ट किया और उसके बाद इसके खिलाफ पॉक्सो के तहत माननीय न्यायालय में चालान पेश किया, जिसमें 6 गवाह एग्जामिन हुए और 21 दस्तावेज प्रदर्शित हुए। इसमें आज पॉक्सो 2 ने तो सजा सुनाई है 10 साल का कठोर कारावास व 71,000 रुपये जुर्माने से दंडित किया। मामला कब का है? ये 21/7/2017 का मामला है। अरे कहाँ का, कौन सा? ये पुलिस थाना ब्यावर सदर का मामला है, लोधा का बाड़िया बलाड़ पीएस ब्यावर सदर का मामला है। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।